नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे BBK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। 22 जिलों के पुलिस अधिकारी समेत 43 IPS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इसके अलावा 37 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि गोरखपुर जिला मजिस्ट्रेट DM राजीव रौतेला, 17 जिलों के DM सहित 37 लोगों का तबादला शनिवार 17 मार्च को किया गया था। इसके बाद रविवार को 43 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। शुक्रवार को जारी एक सूची में के विजयेंद्र पांडियन को राजीव रौतेला के स्थान पर नए गोरखपुर DM के रूप में लाया गया है, जबकि रौतेला को देवपतन प्रभाग के डिविजनल आयुक्त बनाया गया है। सहारनपुर डिवीजन के आयुक्त दीपक अग्रवाल को वाराणसी का नया डिवीजनल आयुक्त बनाया गया। दीपक अग्रवाल की जगह चंद्र प्रकाश त्रिपाठी को नया सहारनपुर मंडल आयुक्त बनाया गया। आजमगढ़ के आयुक्त के रविंद्र नाइक को SVS रंगाराव ने स्थानांतरित कर दिया है, जो पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के देवीपतन मंडल के आयुक्त थे। आजमगढ़ DM चंद्रभूषण सिंह को अलीगढ़ का नया DM बनाया गया। शिवाकांत द्विवेदी को चंद्रभूषण सिंह की जगह आजमगढ़ का नया DM बनाया गया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव के बाद प्रशासनिक अमले में फेरबदल की यह खबर चर्चाओं में आई है।